पालतू कुत्तों के लिए अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम गाजियाबाद बना रहा है शमशान घाट। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से डॉग लवर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें, कुत्ता एक बेहद ही वफादार जानवर होता है। ऐसा वफादार जो अपने मालिक और प्यार और दुलार करने वाले को कभी नहीं भूलता। कई ऐसे किस्से देखने में सुनने में मिलते हैं जो पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की जान तक बचाई है। डॉग लवर भी बेहद ही अपने कुत्ते से प्यार करते हैं और अपना सदस्य मानते हैं। लेकिन दुखद बात यह है, जब कुत्ते की मृत्यु हो जाती थी तो उसका अंतिम संस्कार करने में, लेकिन अब गाजियाबाद में को पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार करने के लिए नगर निगम आगे आया है। नगर निगम की ओर से हिंडन नदी के पास एक शमशान घाट पालतू कुत्तों के लिए बनाया जा रहा है। कुत्ते पाल कितना प्रेम प्रेम क्या बच्चों जैसे प्रेम करते हैं अपने। शमशान घाट बनाया जा रहा है कुत्तों के लिए, क्या कहेंगे? ये तो सरकार की अच्छी पहल है, जो जानवरों के लिए भी एक सुविधा, जैसे इंसान मर जाता है उसकी देख पूरी क्रिया कर्म किया जाता है, उसी तरह जानवरों का भी क्रिया कर्म हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की। कहीं ना कहीं अंतिम विदाई अब दे पाएंगे? जी सर जरूर, ये तो अच्छी वो है कि हम अपने जानवर को अंतिम विदाई दे सकते। और क्या कुछ इससे फायदा होगा? फायदे तो बहुत सारे, जैसे जानवर मर जाता है बाहर सड़कों पर पड़े रहते हैं जैसे इंगे तिंगे, तो वो भी थोड़ी वो दिक्कत तो आती है लोगों को। कब से आप कुत्ते पाल रही हैं? पहले बहुत टाइम से पापा पालते आए हैं, तो अभी इसको तो अभी एक दो साल हो गए हैं हमारे साथ। कितना मतलब लगाव है इन कुत्तों से? इसे तो बहुत लगाव है। हाँ, कुत्तों के लिए कब्रिस्तान और शमशान बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गवर्नमेंट इतना सोच रही है इन सब के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, रोड पे पड़े रहते हैं ऐसे ही, और फिर अगर हमें इन्हें ऐसे दाब देते हैं या दबा देते हैं कहीं भी, तो कीड़े वगैरह इनको इतना वो करते हैं, तो बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इन सब इनके बारे में सोच रही है। तो क्या अच्छा लगेगा जब वो अंतिम विदाई देंगे इनको, कैसा महसूस होगा आपको? अच्छा ही लगेगा कि ये रहेगा कि अब इनको हम दबाएंगे नहीं, तो अच्छे से इनको एक अच्छे से वो मिलेगी, तो अच्छा लगेगा कि। देखिए हमारे पास में भी शायद किसी नगर निगम में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि जो पेट होते हैं उनके लिए भी एक क्रिमेशन सेंटर बनाया जाए, तो इसकी एक ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जब भी कोई डेथ होती है किसी पेट की, तो उसको दफन करने का या उसको अंतिम संस्कार करने का की व्यवस्थाएँ नहीं होती थी, तो इसमें मैं जिला प्रशासन में जो मुख्य विकास अधिकारी मैडम हैं उनके प्रयास से कुछ सीएसआर का पैसा हमको प्राप्त हुआ, और जो गैप था वो नगर निगम ने टेकअप किया और मिला के एक टेंडर किया गया। टेंडर के माध्यम से ये काम नगर निगम गाजियाबाद में कराया जा रहा है, और इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि शहर में अगर किसी बस किसी पेट की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम अंतिम संस्कार क्रिमेशन जो है वो करा सकें, ये इसका पर्पज़ है। जो टेंडर आया है करीबन इसमें 9 लाख रुपये के आसपास, 9 लाख से ऊपर ही थोड़ा बहुत सीएसआर हमको प्राप्त हुआ है, और करीबन 3 से 4 लाख रुपये की डोटेलिंग जो है नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा की जाएगी। अभी जो पहला प्राथमिक जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने ज़मीन आइडेंटिफाई की है, जहाँ पे हमारा नसबंदी होती है कुत्तों की, वहीं पे एक जगह आइडेंटिफाई करके इस पर काम करा रहे हैं। प्राइमरीली जो है वो डेफिनेटली कुत्तों के लिए, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी और अगर हमें सिस्टम अलाउ करेगा तो बाकी वो पेट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे।